Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ज़ोहेब फ्रॉम पंजाब एयरवेज ट्रैवल एंड टूर खारियां। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक आपने टिकट बुक कर लिया है, पैसेंजर आपसे पूछता है कि मैं अगर आपको 24 या 48 घंटे पहले बताता हूं इसकी प्लेंटी क्या होगी, और अगर इन केस ऑफ नो शो मैं नो शो हो जाता हूं तो मेरी प्लेंटी क्या होगी, और क्या ये टिकट रिफंडेबल है भी या नहीं। सो गाइस, ये बहुत आसान तरीका है टिकट को चेक करने का कि हम टिकट रिफंड भी कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले आपने लिखना है FQ, आगे आपने लिख देना है सेक्टर क्या है। ये जैसा कि आपके सामने मैंने टिकट डिस्प्ले किया हुआ है, इस्लामाबाद टू दुबई हमारा सेक्टर है, ISP DXB। और आगे आपने लिख देनी है जो डेट होगी, ये 25 अक्टूबर की मैंने बुकिंग की है, आपने लिख देना है 25 अक्टूबर। आगे आपने लिख देना है क्लास ऑफ फोर्स, आगे आपने लिख देना है वन वे है या रिटर्न है, आपने रिटर्न का किराया चेक करना है या रिफ़ंड चेक करना है या वन वे का करना है। तो मैंने ये बुकिंग की है वन वे की, तो मैं भी वन वे ही चेक करूँगा OW। आगे आ जाएगी नेम की के बाद आ जाएगी एयरलाइन, कौन सी एयरलाइन है, ये PAA है तो ये PK लिखा हुआ है, मैं इसको PK कर दूँगा। सो गाइस, इसने आगे पूछ लिया है कि ये आपकी क्लास कौन सी है, जो बुकिंग क्लास आप रिफ़ंड करना चाह रहे हैं या रिफ़ंड पॉलिसी चेक करना चाह रहे हैं, नो शो चेक करना चाह रहे हैं, तो आपकी क्लास कौन सी है। मैं थोड़ा सा ऊपर करके देख लेता हूँ, ये देख सकते हैं PK 211, ये PK हमारा हो गया PK 211 फ्लाइट नंबर। आगे ये है क्लास, इंडिया क्लास है, आइटम क्लास है। सो गाइस, मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि आइटम क्लास इंडिया क्लास कौन सी है, 1 2 3 4, ये चौथे नंबर पर हमारी इंडिया क्लास है। हम ये 4 नंबर को डबल क्लिक करेंगे, ये डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक विंडो आ गई है, इसको हम मोड ऑफ करेंगे, मींस के MD करेंगे तो ये नीचे चली जाएगी। ये 4 और इसने चीज़ें बता दी हैं, मैं आपको जैसे कि बताना चाहता हूँ कि रिफ़ंड पॉलिसी, इसको हम दोबारा MD करेंगे। ये जैसे कि ये गिनती लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम पहुँच गए, इसको फिर हम MD करेंगे। जब तक ये 16 तक नहीं पहुँच जाएगा, 16 तक नहीं पहुँच जाएगा, हम इसको MD करते रहेंगे। जैसे कि ये मैंने MD किया, ये 16 की रो आ गई, इसके ऊपर ये लिखा है चेंज PKR 3000 फॉर री इशू और री वैलिडेट। अगर आप इसको चेंज करते हैं तो 3000 रुपया लगेगा इसका री इशू चार्जेस। सो गाइस, ये चेक कर सकते हैं आप। इसके नीचे आपने लिखा हुआ है चेंज कैंसलेशन, इसके ऊपर चार्जेस PKR 4000 फॉर कैंसल और नो शो रिफंड। अगर आप इसको रिफ़ंड करते हैं या वो बंदा नो शो हो जाता है कि तो इसकी पेनल्टी ज़्यादा हो जाती है, 4000 रुपये इसकी पेनल्टी हो जाती है। सो गाइस, यही चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इसको रिफ़ंड या पेनल्टी चेक करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। सो गाइस, ये आप देख सकते हैं 3000 रुपया रीवैलिडेट का आ गया है, और अगर कैंसिल करते हैं मीन्स कि इसको रिफ़ंड करते हैं तो इसका 4000 हो जाएगा, या नो शो हो जाता है तो इसका 4000 रुपीज़ चार्ज होगा। सेक्टर कौन सा था मैं आपको डिस्प्ले ए करके चेक कर देता हूँ कि ये सेक्टर था इस्लामाबाद टू दुबई 25 अक्टूबर, ठीक हो गया PAA, ये इसकी प्लेंटी सामने आ चुकी है, ठीक है गैस। सो गैस, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि ये मैंने एक डमी बुकिंग की थी सिर्फ आपको समझाने के लिए, इसको अगर मैंने कैंसिल करना है, इस बुकिंग को मैंने कैंसिल करना है, या आपके पास पैसेंजर नहीं आया तो वो आप बुकिंग कैंसिल कैसे कर सकते हैं। ये बुकिंग डिस्प्ले किया आपने, XI किया, इसको एंटर कर दिया, ठीक है, और इसके आगे आपने कर देना है इसको रिसीव। रिसीव किसे करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 6 दबाना है, और आगे आपने अपना रेफरेंस दे देना है जो भी होगा, ZOHAIB, मैं ज़ोहेब हूँ तो मैंने 6 दबा के ज़ोहेब किया, आगे मैंने ER और मैंने IR कर दिया। ये देख सकते हैं कि इसके अंदर से जो वो बुकिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। इसका आपको कोई फ़ाइन नहीं आएगा क्योंकि आपने कैंसिल होने से पहले भी बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। शुक्रिया फॉर वॉचिंग। सो सर, मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इससे पहले कि मैं वीडियो बंद करूँ, मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर सिर्फ 13 हैं। सो गाइस, एक दफ़ा इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कि जो भी अपकमिंग वीडियोस हो वो आपके पास शेयर होती रहें, और मुझे भी तसल्ली होती रहे कि कोई देख रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर रहा है। इसको ऐसे करके सब्सक्राइब पर क्लिक कर दें टिकटिंग सिस्टम को। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.